नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने लैंग्वेज क्लासेज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं। तो आप सभी देर न करते हुए आप सभी हेडिंग लगा लें अपनी कॉपी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो आप जानेंगे कि यहाँ पे सर्वप्रथम आपके दो लाइन होते हैं। दो लाइन बोले तो एक आपके एक्स एच होते हैं, ये जो पैरेलल लाइन होती है उसको हम लोग एक्स एच कहेंगे, एक्स एच। और जो लंबवत होती है, जो आपकी लंबवत होती है, इनको हम लोग वाई एच के नाम से जानते हैं। ये एक्स एच जबकि ये वाई एच। तो यहाँ पे जहाँ पे काटते हैं और उसको ओ दे दें और ये यस और इधर एक्स डैश दे दें, क्या दे दें, एक्स डैश। इधर वाले पॉइंट को क्या नाम दिए, एक्स डैश। और ये वाई एच है, ये जीरो है, जहाँ जिसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ओ नाम देते हैं वाई, और यहाँ पे हम वाई डैश से नाम देते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे एक्स ओ यक्स, जो एक्स ओ एक्स डैश जो है वो क्षैतिज लाइन है। इसको हम लोग जो भी बिंदु होंगे उसको एक्स एच पे होंगे ना, और ये जो वाई ओ वाई ओ वाई डैश होंगे ये आपकी लंबवत रेखाएं हैं। अगर इस पर कोई बिंदु, जैसे इस पर कोई एक बिंदु मान लीजिए ले लेते हैं, देखिए बात को समझिए, अगर इस पर कोई बिंदु यहाँ पे है हाँ, और इस बिंदु पी का जो निर्देशांक है, इस बिंदु पी का जो निर्देशांक है वो x, y क्या है, x, y। तो आप समझेंगे कि जो x है, जो x h है, इसको हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहेंगे, भुज। और दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। पहले वाले को x, मतलब पहले वाले जो बिंदु होता है उसको हम लोग भुज के नाम से जानेंगे, जबकि दूसरे वाले को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, y यानी कोटि के नाम से जानते हैं। जो पहला वाला होता है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, किस पर चली गई दूरी होती है, x अक्ष पर। और जो दूसरे वाले होते हैं, जो कोटि होता है, वो y अक्ष पर चली गई दूरी। तो अगर कोई बिंदु अगर ऐसे अगर इसको मिला दे ये और इधर से ये, तो आप कहेंगे कि ये वाली जो दूरी है, यानी आप इसको नाम दे दें ए और इधर बी दे दें, तो यानी ओ ए, ओ ए जो दूरी है, ओ ए दूरी जो है वो कितनी है, x है। ओ ए दूरी कितनी है, x है। और जबकि आपकी ये ओ बी दूरी वाई एच पर, y क्या है, y। तो अगर ये x है तो ये भी x होंगे और ये y है तो ये भी y होंगे। तो दोस्तों, आपसे जाने कि आप सबसे पहले कि x अक्ष के लिए अगर यहाँ पे अगर कोई बिंदु अगर रखेंगे, कहीं भी पॉइंट पर अगर बिंदु रहा x अक्ष पे, तो वहाँ पे y बराबर जीरो होंगे। x अक्ष के लिए y बराबर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जबकि y अक्ष पर कोई बिंदु रहा आपका, y अक्ष पर कोई बिंदु रहा आपका, तो यहाँ पे x बराबर जीरो हो जाएगा। आप मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, तो आप समझे कि भाई x अक्ष की तो दूरी लेंगे, जबकि y अक्ष की दूरी है, तो यहाँ पे इसका जो कोई भी वैल्यू होगा तो x कॉमा जीरो होगा। बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x कॉमा जीरो। और जबकि इधर कोई बिंदु लेंगे तो यहाँ पे x का मान जीरो होंगे, x का मान क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ये दो पॉइंट, x अक्ष के लिए y बराबर जीरो और y अक्ष के लिए x बराबर क्या होते हैं, जीरो।
एक्स एच के लिए वाई बराबर जीरो, जबकि वाई एच के लिए एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब आप समझे बात को, तो यहाँ पे जो होता है भाई, यहाँ पे जो होता है ये मूल बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो कॉमा जीरो। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो। ये बातें हो गई। फिर दूसरी बातें करते हैं, इसमें और क्या क्या बातें हो सकती हैं। आप समझे कि भाई एक्स एच के लिए अगर आप दाहिने साइड आएंगे, इधर कोई भी मान जाएंगे तो ये पॉजिटिव में होंगे, इधर होंगे पॉजिटिव में, दाहिने साइड पॉजिटिव में होंगे, जबकि आपके लेफ्ट हैंड साइड आपके मान निगेटिव में होंगे। एक्स एच पर आप लिख सकते हैं कि एक्स एच के लिए दाहिने इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि इनके बाएं वैल्यू निगेटिव होती है, और वाई एच के लिए ऊपर में वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऊपर में, ऊपर जाने पर पॉजिटिव जबकि नीचे जाने पर निगेटिव होती है। ये सब पॉइंट है ना। तो भाई आप ध्यान दें कि मूल बिंदु से दाहिने जाने पर एक्स एच पर पॉजिटिव होंगे, जबकि बाएं जाने पर निगेटिव होंगे, मूल बिंदु से ऊपर जाने पर पॉजिटिव मान, जबकि नीचे आने पर निगेटिव हो जाएंगे, है ना। बात तो समझ में। तो अगर बात को कहें कि ये पहला कोऑर्डिनेट है, अगर इसमें आप बात करें प्रश्न निकाल कर लेते हैं, अब ये एक्स एच और ये वाई एच, तो दोस्तों आप बात करेंगे पहले कोऑर्डिनेट में जो बिंदु होता है, जो निर्देशांक होते हैं बिंदु के, वो क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड में आप गए हैं पॉजिटिव मिलेगा, और ऊपर गए हैं पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। भाई पहले कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि बिंदु क्या होंगे, प्लस और प्लस हो जाएंगे। जबकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, तो आप समझेंगे कि साहब एक्स का मान तो मान निगेटिव होने लगेगा, एक्स का मान किस में होना चाहिए, निगेटिव में, यानी निगेटिव, और वाई का मान इधर हो जाएंगे यानी पॉजिटिव हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। थर्ड वाले में साहब इधर आएंगे या इधर आएंगे, आप जानते हैं कि इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि इधर आप बाएं साइड जाते हैं या नीचे जाते हैं तो निगेटिव में ही होते हैं। तो इधर आप आए हैं यानी यहाँ या यहाँ कहीं भी जाएंगे, तो आप समझेंगे कि तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में जो बिंदु होंगे वो निगेटिव और निगेटिव दोनों होंगे। भाई एक्स एच पर भी निगेटिव होंगे और वाई एच पर भी। इसी प्रकार से फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात की जाए, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की जब बात की जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल की जब बात की जाएगी, तो आप समझेंगे कि चौथे कोऑर्डिनेट में भाई एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स जो है अपने धनात्मक अक्ष पे चले जाएंगे पॉजिटिव, जबकि वाई क्या चले जाएंगे, ऋणात्मक अक्ष पे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि भाई माइनस तीन कॉमा पाँच किस चतुर्थांश में होंगे, क्वेश्चन इतना भी मिलते हैं कि भाई माइनस तीन कॉमा पाँच किस चतुर्थांश में होंगे। तो आप जानते हैं पहले वाले में तो दोनों प्लस होते हैं, दूसरे वाले में माइनस पहला एक्स एच वाला माइनस और वाई एच वाला प्लस, तो आप कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ जाएंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे किए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी लेते चलेंगे जिससे कि आपको बात समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं इसमें कि 2.3 है, 2.3 में आपसे कह रहे हैं बिंदु 2.3 में भुज क्या होगा, भुज क्या होगा। तो जाने कि पहले वाले को बिंदु को हम लोग जो निर्देशांक होते हैं उनको भुज कहते हैं, जबकि दूसरे वाले को कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं।
तो आपका जी सीधे सीधे जवाब होगा भूज बराबर क्या होंगे, दो। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर टू, आपसे ये भी कह सकते हैं कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में होंगे, -3, -5 किस चतुर्थांश में होंगे। तो आपको सिंपल से जवाब है, आपको देखना है सर पहले वाले में दोनों प्लस, दूसरे वाले में पहले माइनस फिर प्लस, तीसरे वाले में दोनों माइनस। तो आप कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, यानी तीसरे चतुर्थांश में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल वे में अभी बात कर रहे हैं हम लोग, अभी लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। शुरू शुरुआत है आपकी, तो हम पूरी आपको 100% कंठस्थ करेंगे एडवांस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार से चतुर्थांश है आपका, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे दो बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, एक बिंदु दोनों आपके एक्स अक्ष में, पहले क्वाड्रिलेटरल में है ना, तो पहले में दूसरे में तीसरे में चौथे में कभी भी देगा। हम यहाँ से फॉर्मूला एक बनाएंगे, उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो बात को समझिएगा, आपसे अगर देखिए, अच्छा एक बात और यहाँ बात करेंगे, अगर यहाँ पे आपको दे देते कि x, y है, x, y है, यहाँ से आपसे पूछ सकते थे कि मूल बिंदु से इनकी दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी हो किसी बिंदु की, तो आप समझे कि भाई x क्या है, x क्या है, x अक्ष पे चली गई दूरी, ये x है। y क्या है, y अक्ष पे चली गई दूरी, ये y है, ये भी y है। तो मूल बिंदु से दूरी, तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई OP बराबर एक पाइथागोरस प्रमेय बनता होगा, पाइथागोरस प्रमेय, OP बराबर आप लिख सकते थे अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अंडर रूट x का स्क्वायर, या OP को आप r कर लें, भाई r कर लें, तो r बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होंगे। भाई किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो आप क्या यूज करेंगे, r बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, बात को समझ। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग कि भाई कोई त्रिभुज OAB में मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो स्मॉल r बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे कर सकते थे, क्वेश्चन इस तरह से कर सकते थे कि कोई चतुर्थांश में बिंदु P का निर्देशांक 3, 4 है, मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो आप मूल बिंदु से दूरी निकालना था, तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो आप इनको निकालना है, तो स्मॉल r बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 25, यानी 5। बात समझ में आ रही है। अगर इसमें बात करें कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ कर लेते हैं, एक बिंदु यहाँ कर लेते हैं, इस वाले बिंदु का निर्देशांक x1, y1 और दूसरे वाले बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है, क्या है, x2, y2 है। अब आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो बात को समझिए, अगर दो बिंदु हैं और उनके बीच की दूरी निकालते हैं, तो सबसे पहले बात करिए, देखिए यहां पर भाई ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, तो आप कहेंगे सर ये वाई एच पे है, यानी वाई वन आप कह लीजिए, ठीक है, ये पूरी दूरी वाई वन हो गई, जबकि ये दूरी यानी ये वाली दूरी एक्स वन होगी, ठीक है, होंगे। अब यहाँ से भी एक लाइन एक्स एच पे गिरा दीजिए और यहाँ से इनको मिला दीजिए, या ऐसे मिला, तो आप कहेंगे कि सर जो एक्स टू है वो आपका ये है, एक्स टू क्या ना है भाई, एक्स एस से चली गई दूरी, यानी आपकी ये वाली दूरी x2 है,
और वाई टू क्या है, ये वाली दूरी वाई टू। तो आपको ये दूरी ये निकालनी है, यानी आर निकालना है, आर निकालना है। तो नाम दे दीजिए कुछ भाई, ए बी या पी ए बी कर दीजिए। तो अगर आपको पी बी निकालना है, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो पी बी जब निकालना है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर करने में इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, पूरी दूरी y1 थी, पूरी दूरी y1 थी, y1 में से y2 जाएगा, तो भाई ये दूरी क्या हो जाएगी, y1 माइनस y2 क्या हो जाएंगी, y1 भाई पूरी दूरी y1 थी यहाँ से यहाँ तक, और ये y2 ये है, तो आप ये दूरी कह सकते हैं, सॉरी ये y2 टू यहाँ नहीं, ये x2 टू यहाँ, एक बार ध्यान दीजिए फिर से, आप कह सकते हैं ये पूरी दूरी x1 हो गई, ये पूरी दूरी y1 हो गई, जबकि यहाँ पे ये दूरी ना आपकी क्या होंगी, ये वाली दूरी आपकी x2 होंगी और ये वाली दूरी आपकी, ये वाली दूरी आपकी y2 होगी। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि साहब ये पूरी दूरी y1 थी, अब y1 में से ये y2 गया, तो ये वाली दूरी आपकी y1 माइनस y2 हो गई, कितनी हो गई y1 माइनस y2। और जबकि ये पूरी दूरी आपकी x1 थी, पूरी दूरी यहाँ से कितनी है, x1 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, x1 में से x2 घटा दीजिए, यानी x1 माइनस x2। तो आप कह सकते हैं फिर पाइथागोरस प्रमेय बन गया होगा, देख रहे हैं ना, तो r बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होंगे, तो आप लिखेंगे दो बिंदुओं की बीच की फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यही लिखेंगे, यहां दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। आप कोई भी दो बिंदु कहीं भी दे दें, तो आप इनसे इनके बीच की दूरी, एक बिंदु यहाँ दे दें, एक बिंदु यहाँ दे दें, तो आप इनके बीच की दूरी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। भाई कोई भी दूरी निकालना हो, भाई पी बी बराबर या स्मॉल आर बराबर कुछ भी कर सकते हैं, x2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, बिंदु का ध्रुवीय रूप, बिंदु का ध्रुवीय रूप, बात करें बिंदु के ध्रुवीय रूप के बारे में, तो पॉलीपोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, पोलर ऑफ पॉइंट, बिंदु का ध्रुवीय रूप, जब किसी भाई बिंदु को उसके आप मूल बिंदु से दूरी और कोण के रूप में लिखते हैं, मूल बिंदु से दूरी और कोण के रूप में लिखते हैं, तो इसी को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहते हैं। बात को समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि x y ये दो अक्ष हैं, x अक्ष और y अक्ष है, और इस पे कोई बिंदु P है, इस पे कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक x कॉमा y, बिंदु P जिनका निर्देशांक क्या है, x कॉमा y है। आप कहेंगे भाई बिंदु P इसका निर्देशांक x कॉमा y है, तो आप कह सकते हैं कि भाई इनकी जो दूरी होगी, भाई r बराबर क्या हो जाएंगे, r निकालना है, तो आप लिख सकते हैं r बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r बराबर क्या हो जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएंगे, स्मॉल r बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये पीछे भी हम लोग पढ़े हुए हैं। और क्या हो जाएंगे, अगर कह दें
इस अगर मैं यहाँ पे इनको क्या लिख दूँ, एक्स लिख दूँ और इनको वाई लिख दूँ, आप कहेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, अगर साइन थीटा लूँ तो लम बटे का कर्ण यानी वाई बाई आर, साइन थीटा बराबर वाई बाई आर, साइन थीटा बराबर वाई बाई आर। और कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा ले लूँ तो आधार बटे कर्ण यानी एक्स बाई आर। आप कह सकते हैं कि y जो है y बराबर r साइन थीटे होंगे और जबकि x बराबर r cos थीटा होंगे, क्या होंगे r cos थीटा। दिख पा रहा है यहाँ से, एक बार देख लूँ मैं जरा सा, हाँ तो y बराबर r साइन थीटा, x बराबर r cos थीटा, ये बात हो गई। अगर आप कह दें तो आप tan थीटा निकालोगे, जैसे तो tan थीटा लिया है बिल्कुल इनको भाग दे दें तो भाई tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाएंगे और tan थीटा y by r और x by भाग दे देंगे तो y by x हो जाएंगे, ये बातें हो गई ठीक है। अब इनको ध्रुवीय रूप में लिखना है तो बात को समझिए, अगर कोई बिंदु x कॉमा y है, अगर कोई बिंदु x कॉमा y है तो इसका जो बिंदु x कॉमा y बिंदु का जो ध्रुवीय रूप होंगे, ध्रुवीय रूप होंगे, आप कह सकते हैं कि भाई r cos थीटा, भाई x का मान क्या है r cos थीटा और कॉमा y की वैल्यू r sin थीटा हो जाएंगे। भाई क्या हो जाएगा, आपसे कोई पूछेगा कि भाई x 2.3 का ध्रुवीय रूप बताइए तो उसका मूल बिंदु से दूरी और कोण के जब रूप में लिखेंगे तो उसी को ध्रुवीय रूप कहते हैं। तो भाई x कॉमा बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या है, तो r cos थीटा कॉमा r sin थीटा है। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें, देखिए बात को समझिए, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे लिख दें कि बिंदु 1.3 बिंदु √3 का ध्रुवीय रूप क्या होगा, क्या होगा, तो आप जानते हैं कि r कैसे निकालते हैं, भाई एक का स्क्वायर एक ही हो जाएंगे, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएंगे, यानी r का मान जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। और tan थीटा, tan थीटा कैसे निकालते हैं, आप अभी अभी पढ़े हैं, tan थीटा y बाई एक्स यानी √3/1, थीटा किसका मान रूट थ्री होता है, तो आप कहेंगे tan 60 का मान, कितने का मान, tan 60 का मान, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, थीटा बराबर कितने होंगे 60 डिग्री, तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होंगे, तो आप लिखेंगे r, r यानी 2 cos 60, 2 cos 60, कॉमा 2 sin 60, यही आपके 1.3 का ध्रुवीय रूप। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप नोट करेंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो जैसे दो बिंदु है, कोई जब कोई दो बिंदु है इनको मिलाने वाली रेखा जब किसी ऐसा पॉइंट जो इनको दो अनुपात में विभाजित करते हैं तो इन्हीं को हम लोग विभाजन कर, बात को समझेंगे कि भाई जैसे कि दो कोई बिंदु है ए बी और इनके निर्देशांक एक्स वन कॉमा वाई वन है और इनके निर्देशांक एक्स टू कॉमा वाई टू। अब इस पर कोई अंतर विभाजन, दो बिंदु होते हैं, विभाजन सूत्र जो बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं, एक अंतर विभाजन होंगे और एक बाह्य विभाजन होंगे। आप अंतर में अंदर में करें तो अंतर विभाजन, अगर इसी बिंदु को हम बाहर में कहीं देते हैं तो वो बाह्य विभाजन होंगे। तो आप समझे इस बिंदु का निर्देशांक अगर एक्स कॉमा वाई है और इनको बांट रहे हैं इधर से यम अनुपात में जबकि इधर वाले का एन अनुपात में,
मतलब कि इधर से इनकी दूरी यम हो जाएंगे और इधर यन हो जाती है। तो आप कहेंगे कि अगर एक्स कॉमा वाई का अगर मान निकालना है, ये कब है? जब अंतर विभाजन है। अंतर विभाजन आप लिख सकते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, अंतर विभाजन, इंटरनल डिवीजन। तो आप लिख सकते हैं कि भाई एक्स वाई बराबर पहले एक्स का निर्देशांक फिर वाई का निर्देशांक। तो इसको निकालना हो तो आप लिखेंगे एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन अपॉन में यम प्लस यन, एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन अपॉन में एम प्लस यन, और दूसरे का लिखेंगे और यहां पे आप लिखेंगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस यन। आपका निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस यन, जबकि एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस यन। तो आपसे दो बिंदुओं दे देंगे और ये भी बता देंगे यम और यन का मान बता देंगे। आपसे पूछेंगे कि अंतर विभाजन है तो ये एक्स रेशियो वाई, एक्स और वाई का मान क्या होंगे? तो आप इस फॉर्मूले से लगा लेंगे कि अंतर विभाजन होने पर एक्स वाई बराबर एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन अपॉन में एम प्लस वन कॉमा आपका एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस वन। अगर ये दोनों रेखा अगर बीच में कह दे कि ये दोनों बराबर हो जाए, भाई यम और यन बराबर हो जाए, यम बराबर यन, यानी ये बीच बीच में हो जाएंगे, तब आपका एक्स वाई का मान कैसे निकलेंगे? तो एक्स का मान सिंपल एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू हो जाएंगे और प्लस वाई वन प्लस वाई टू बाई टू हो जाएंगे। ये कब होंगे? जब एम और यन दोनों बराबर मतलब बीच में हो, बिंदु कहाँ हो? बीच में हो। तो आप लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू हो जाएंगे, है ना? बात समझ में आ रही होगी। जब ए बी का मध्य बिंदु आप लिख सकते हैं ए बी का मध्य बिंदु एक्स, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बाई टू हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार से बाह्य विभाजन करते हैं, ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला है ना, अगर इसी तरह से बाह्य विभाजन करेंगे अगर बाह्य विभाजन होने लगे बोले तो एक्सटेंड डिवीजन, एक्सटेंड डिवीजन। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे एक्सटेंड डिवीजन में, तो आप समझे कि कोई बिंदु आपकी जैसे ए बी है और एक बिंदु जो है पी जो है वो बाहर में बाह्य विभाजन से करते हैं। इसको हम लोग निर्देशांक दे दें एक्स वन कॉमा वाई वन और इनको नाम दे दें एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स वन कॉमा वाई वन और इनको एक्स टू कॉमा वाई टू, और जो यहाँ बिंदु पी है इनको नाम दे दें एक्स कॉमा वाई। तो आप अगर आप कह दें कि भाई आपका जो यम जो है भाई पहले वाले दूरी यानी यम और यन जो है दूसरे वाले से, तो आप लिख सकते हैं कि भाई तब बिंदु पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई बराबर एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन अपॉन में एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन अपॉन में एम माइनस एन। यहां पे लिखेंगे एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस, ये हो जाएंगे बाह्य विभाजन के लिए, माइनस हो जाएंगे ना, वहां पे प्लस होते थे और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है बात।
तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे देते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को बना करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, जिससे कि मैं इसके आगे की वीडियो आपको जल्दी से देने का कष्ट करूँ। तो फिर मिलते हैं, पहले मैं आप क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन उतारने के बाद कमेंट दीजिएगा, फिर उसके बाद का सेशन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए। तो दोस्तों आपके सामने ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन 6 क्वेश्चनों का जवाब विकल्प जो दिया गया है, इन सभी क्वेश्चनों का विकल्प जो है वो दिए गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो आप इससे आगे का वीडियो पाना हो, अगर तैयार हैं आप सभी, तब आप कमेंट में इसका जवाब देंगे, तभी मैं आगे की वीडियो बना पाऊंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।